हादसा हो गया मेरे दुकान पे, जस्ट लाइक मेरे दुकान पे आग लग गया था। मैं 500 रुपये लेकर घर से निकला था ना, उसके बाद बहुत दिन मुझे स्टेशन में रहना पड़ा, हाउस कीपिंग का काम करना पड़ा, सब्जी बेचना पड़ा, उसके बाद करीब 1,00,000 के करीब तो पेमेंट अभी इधर देख सकते, मम्मी भी मेरा बाइक भी परचेज कर सकता हूँ अभी, पापा बोल रहे हैं। तो हाय गाइस, माय नेम इज राजन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राजन ब्लॉग। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, अभी टाइम हो रहा है, अभी मैं जस्ट सो के उठाऊँ, अभी टाइम चेक कर लेता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:02 एंड आज मैं फुल जोश में हूँ क्योंकि आज मेरा कुछ लॉटरी लगने वाला है। एंड मैं अभी जस्ट मूड होकर अभी निकल पा रहा हूँ अपने गाड़ी लेके, अभी मैं एक भैया के पास जा रहा हूँ, उसको कुछ पेमेंट करना है। तो वो पेमेंट करने के बाद हम लोग एक प्लेस पे जाते हैं, पहले तो कहाँ पर जाते हैं देखा हुआ, तो वीडियो मैंने तक बने रहना। एंड आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो देखते रहना। तो चलते अपने BMW से। तो इसका एग्जॉस्ट का आप लोग साउंड सुन सकते हैं। तो अभी इसको अभी मैं ड्राइव करता हूँ जल्दी। तो मैंने गाड़ी को इधर पार्क किया था एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है। तो मैं इधर से सीधा घर पे चलता हूँ, घर के चल के बात करता हूँ। उसका भी नाम क्या था मेरे को अभी खुद ही मैं भूल गया हूँ। एंड आज दिन देख सकते हैं कैसा, मतलब आज मौसम बहुत ठंडा, अभी थोड़ा धूप निकल रहा है लेकिन 9-10 बजे तक तो बहुत ही ठंडा था। एंड अभी आज मेरा कुछ पेमेंट आने वाला है, तो पेमेंट मैं रिसीव करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 3:30 बजे मेरे को बुलाया वो पेमेंट लेने के लिए, सो अभी पेमेंट लेंगे। अभी मैं जल्दी चला जाता हूँ पेमेंट लेने के लिए। एंड पेमेंट लेने के बाद वहाँ से सीधा जाएंगे वो चाय वाले के दुकान में, तो उस चाय वाले के थोड़ा स्पेशल दुकान है वो वाला, तो वीडियो में देखते रहना। वीडियो में तो बता रहेंगे, वीडियो में थोड़ा स्पेशल रहता है क्योंकि तभी वीडियो देख के अच्छा लगेगा। तो एंड तक देखना वीडियो को, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो पेमेंट मेरे को आज मिलने वाला है करीब 1,00,000 के करीब, तो पेमेंट अभी इधर देख सकते हैं। मेरा बाइक भी परचेज कर सकता हूँ अभी, पापा बोल रहे हैं। अभी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं सबसे पहले एंड उसके बाद बातें करते हैं। तो गाइस, मेरे को अभी आदिल भाई ने बुलाया है कहीं पर जाने के लिए, सो अभी आदिल भाई के पास जाते हैं। एंड आदिल भाई अभी मेरे को कहाँ पर लेके जाएगा, बस बोला है भाई तुम मेरे साथ निकलो, तो मैं भी निकल आया। तो अभी आदिल भाई के साथ, अभी आदिल भाई रुके रहेगा, आदिल भाई यहाँ पर आएगा एंड मैं इधर से निकल जाऊँगा। अभी चलते आदिल का भाई के पास। एंड ये वीडियो, आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं अपना दिन का पूरा स्टार्टिंग से मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या करने वाला हूँ। तो अभी जा रहा हूँ, अभी आगे देखते क्या होता है। एंड आगे चल के अगर कुछ खास देखने के लिए मिलता है तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही दिखा के आप लोगों को बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर कुछ खास देखने के लिए मिलेगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मतलब मैं इधर से मैं शॉर्टकट आ गया है ना, आदिल भाई भी ठीक टाइम पर आ गया, तो वेटिंग कर रहा है आदिल भाई मेरा। ये आदिल भाई का RS 200 DS6 वाला मॉडल, इसको मैं आपको सिनेमेटिक शॉट पहले दिखा चुका हूँ, अगर नहीं दिखे तो वीडियो को देखना, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स रहेगा, फिर से मैं दिखा के बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। आदिल भाई यहाँ पर कुछ काम के लिए है, तो वहाँ पर काम पूरा होने के बाद यहाँ पर मिंत्रा का यहाँ पर आए हैं। पूरा ऑल ओवर गुवाहाटी से यहाँ पे मिंत्रा का सामान जाता है पैकेजिंग। एंड अभी यहाँ पर भी काम है, वो काम कर रहे घर पे काम पे। तो अभी गाइस देख सकते हैं, तब मतलब सुबह के 10 बजे तक शायद बहुत मतलब शायद बहुत मतलब धूप नहीं ही था। एंड मैं आज समझा था पूरा दिन मतलब ऐसे ही जाएगा कोहरा, लेकिन अभी धूप निकल आया है थोड़ा। तो अभी मतलब चलते हैं, और फिर से गर्मी पड़ गया, अभी मैं डेनिम जैकेट पहन के आया था तो अभी मेरे को गर्मी फील हो रहा है, तो अभी इसको चेंज करके। एंड भाई आ रहे, एक यूट्यूबर भाई भी है, एक आ रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। और एक भाई आ रहा है यूट्यूबर, वो भी यूट्यूब में वीडियो बनाता है। एंड वो मेरे को जालुकबारी में मीट करने वाले हैं, हम दोनों एक प्लेस पर जाने वाले हैं,
तो जब मैं बताया था वो चाय वाले की दुकान, चाय वाले वो मतलब बहुत बड़े हाई लेवल के, नेक्स्ट लेवल के चाय वाले है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चाय मतलब बिक्री करता है, तो वहाँ पर ग्रेजुएट चाय वाले के दुकान में जाने हैं। अभी मेरे को याद आ गया, अभी फाइनली ग्रेजुएट चाय वाले के दुकान में जाने वाले। तो अभी पहले भाई से मिलते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पर अभी वो जो यहाँ पर अभी वो सब काम हो चुका है डन, एंड अभी जा रहे हैं थोड़ा हो रहे 2:30 है ना। अभी मैं घर पे जाता हूँ, फ्रेश होके फिर से निकल आता हूँ, क्योंकि एक भाई आ रहा है जिसे आपको बता ही दिया आगे। एंड अभी इस तरफ देख सकते हैं, इस लाइन में मैं चल रहा हूँ। एंड अभी सीधा घर पे चलते हैं, एंड घर पे चलने के बाद फ्रेश होके फिर से मिलते हैं, ओके। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:11 PM, एंड अभी मैं घर से निकल रहा हूँ। एंड अभी मैं गाड़ी कुछ भी नहीं लेके जाने वाला हूँ, टेम्पो में जाने वाला हूँ। अभी इधर से निकलते हैं, निकलने के बाद हमको जाना पड़ेगा जालुकबारी में, क्योंकि जालुकबारी में भाई रुका हुआ है। एंड जालुकबारी में चलते हैं, भाई को ब्लॉग में भी लेना है। एंड भाई भी ब्लॉगिंग चैनल बनाते हैं, वहाँ पर चल के भाई के साथ सब कुछ बात करता हूँ। एंड अभी मेरे को लग रहा है अभी बारिश देगा, अगर बारिश देगा तो आज लग रहा है कि बारिश देगा, अगर बारिश देने सब कुछ घर पर घोटाला हो जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं क्या होगा, तो अभी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा मौसम में राइडिंग करके बहुत अच्छा लगता है। एंड हम लोगों का कुछ प्लान बन रहा है, दो प्लान है। एक प्लान है मिर्जा की तरफ जाएंगे, जो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है। एंड और एक प्लान है हम लोग शिलोंग की तरफ जाने वाले, शिलोंग डाउक की 125 किलोमीटर है। एंड मैं अभी इधर पर रुक रहा हूँ टेम्पू को, एंड उधर में चढ़ के जाएंगे। तो अभी मतलब दुकान यहाँ पर भाई नहीं देते, तो अभी आगे चल रहे भाई, तो भाई के साथ बात कर लिया। अभी अगर बैठा था टूर टूर के निकले हैं, तो आगे चल के भाई को दिखाता हूँ। तो आपका नाम क्या है? हेलो, माई सेल्फ सादर छेत्री। आप लोग मुझे ग्रेजुएट चाय वाला नाम से बुलाते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर कमिंग। आपका ये आपका ब्लॉग का नाम क्या है? आरजीएम ब्लॉग। आरजीएम ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दे दीजिए, एंड उनका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा वीडियो शेयर करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच एंड। तो आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरा मम्मी पापा दोनों एलपी स्कूल का टीचर है वो लोग, तो मैं कोकराझार से हुई। तो उसके बाद मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ, वो लोग टीचर बैकग्राउंड से, तो मुझे फिर पढ़ने के लिए बोल रहे थे, मास्टर्स करने के लिए बोल रहे थे, पर मैंने वो किया नहीं। उसके बाद मैं गुवाहाटी आ गया, मुझे खुद का कुछ करना था, मेरा भी कुछ टीम एडमिशन था। तो मैं मेरा फर्स्ट प्लान जो ये चाय थी, पर मैंने ट्राई किया था गुवाहाटी। जब आया मैं, तो मेरा बहुत सारा ऐसा केस हुआ, जैसे लाइक मैं 500 रुपये लेकर घर से निकला था ना, उसके बाद बहुत दिन मुझे स्टेशन में रहना पड़ा, हाउसकीपिंग का काम करना पड़ा, सब्ज़ी बेचना पड़ा, उसके बाद चाय पत्ती भी बेचा मैंने बहुत दिन, जो उसका पैसा अभी तक मुझे नहीं मिला है, तो अभी मैं खुद का पॉकेट से भर रहा हूँ। तो अभी तो ये चाय जो है मेरा खुद का प्लान का पहला हिस्सा था जो मैंने किया है। और मेरे साथ वैसा मतलब बहुत सारा प्लान, स्टार्टिंग में तो बहुत स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट हार्ड पार्ट हूँ, तो स्टार्टिंग में मेरा बहुत मतलब कम चलता था दुकान। जब मैं था फर्स्ट डे, मुझे याद है मैं 30 कप किया था, फिर उसके बाद 60 कप हुआ, 100 कप, 200 कप, कप 700, 750। मैं 3 घंटा में 9 to 10,000 रुपीज़ भी भेजा था। पर उसके बाद मतलब कुछ हादसा हो गया मेरे दुकान में, जब लाइक मेरे दुकान से आग लग गया था। तो उसके बाद मैं बस तब दुकान ही कर रहा था, मैं मेरा सोशल मीडिया देखा नहीं था, मेरा इंस्टाग्राम पेज मैंने खोल के रखा था, पर मैं उसके बाद चेक नहीं कर रहा, मेरा अच्छा फ़ोन भी नहीं था। तो मैं जब मेरा 0 फॉलोअर्स था, जब मैं खोल के देखा तो मेरा फॉलोअर्स 5,000 के आसपास पहुंच गया था। और मैंने जब फ़ोन देखा तो 50 से ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह, और ये जो जी न्यूज़ है, मत सॉरी जी न्यूज़ नहीं, प्राग न्यूज़, DY365, ये
क्या बोलते हैं DY365 एंड क्या था चैनल का नाम, ये अपना न्यूज़ लाइफ एंड प्राग न्यूज जैसे ये सब बहुत सारे न्यूज़ चैनल आते हैं मेरे को, रोज़ ब्लॉगर्स लोग आते थे। अभी बहुत दुकान बंद है मेरा, अभी तो मैंने पेंसिल में लगाया और कुछ, अभी ये जो 15 दिन मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था उसके बाद मैंने कुछ प्लानिंग किया है कि मैं गुवाहाटी में अभी रेलवे से आ रहा हूँ, 20 आउटलेट लगा हुआ 20 जगह पे, तो मैं अभी फूड ट्रक वगैरह रेडी कर रहा हूँ। मैं सब मेरा जो चाय का वर्कशॉप हो रहा है वो स्टूडेंट्स को लेके, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मतलब फाइनेंशियली वीक है, तो वो लोग के मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग को 4-5 घंटे के लिए मेरे कॉलेज के बाद जॉब चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट करें, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दें और आप लोग को जो प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं आपको भी कुछ हेल्प कर सकूँ, मुझे भी कुछ हेल्प मिले आप लोगों से। तो सब लोग मतलब बोलते हैं ना ग्रेट माइंड वर्क टुगेदर, ऐसा कुछ मुझे इंग्लिश ज़्यादा आता भी नहीं है और मुझे बात करना भी ज़्यादा आता नहीं है, मैं सब कुछ धीरे धीरे सीख रहा हूँ, तो यही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा वर्कशॉप है वो उसको मिस ना करें, मेरा कुछ बहुत सारा प्लानिंग है आप लोग के लिए भी, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो आप लोग प्लीज़ उसे अप्लाई करें, आप लोग ट्राई करें। मैं चाय बना के सिखाऊंगा, सेविंग कैसे करना है, क्या यूनिक प्रोसेस हम डाल सकते हैं, जो मेरा मसाला बन रहा है, जो मैं हर एक चीज़ यूनिक प्रोसेस ट्राई करो उस पर, तो मसाला का डेली मतलब अभी जो 6 मंथ के बाद वो ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च होने वाला है जो मेरा मसाला, तो वो अभी उसमें मैं काम कर रहा हूँ दिन भर 4-5 घंटा करके, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव निकले, सबको पसंद आया वो मसाला, क्योंकि जो मेरा चाय है वो जब मसाला बनेगा तो लोगों का घर घर तक पहुँच जाएगा, तो वो काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव होगा सबके लिए, घर घर पे वो मसाला मिल जाएगा, घर पे वो जेजे चाय वाला जो चाय है वो घर पे पीने को मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसका रेट में बाद में बताऊँगा, उसका मसाला का नाम है ग्रेजुएट चाय मसाला, तो काफ़ी जल्दी आ रहे हो वो ग्रेजुएट चाय वाला मसाला। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा वो चाय मसाला? वो हर एक दुकान पर मिलेगा, जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर एक जगह मिल जाएगा वो, आपके आमने सामने जो घर के पास में जो दुकान, गुवाहाटी में तो पूरा गली गली में मिल जाएगा, तो मिलते नहीं पता, इंडिया का पूरा इंडिया तो पता नहीं, पर गुवाहाटी में तो 100 मैं खुद जाके दे दूँगा दुकान पर। तो आप अभी इतना फेमस हो चुके हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हर मोबाइल में आपका कोई मतलब नहीं है, मैं बस मुझे जो मेरा जो चाय दुकान है मैं वो छोटा सा स्टॉल पे काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, तो मुझे ये इतना फॉलोअर से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मेरा जो काम है मैं वही समझता हूँ कि मुझे वही करना है, और बहुत मैं इतना ज़्यादा मुझे अटेंशन मिल रहा है मैं उतना एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, मुझे पता है क्योंकि ऐसा बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, जस्ट लाइक अभी ये वेटर्स लोग हैं ये लोग को भी तो उतना ही अटेंशन मिलना चाहिए जितना मुझे मिला है, क्योंकि ये लोग भी बहुत कष्ट कर रहे हैं, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्किंग है लोग, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई कुछ करना चाहता है अगर नहीं हो रहा है तो मुझसे आके बात करें, मैं फाइनेंशियली हो जितना मेरे से हो सके और जितना मतलब मैं कर सकूँ आपके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस को क्या प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टा में मैसेज कीजिए, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, आप मुझे आके शेयर कीजिए बात सब, और अभी जो होता है ना डिप्रेशन एंजाइटी ये सब वो सब सोच के फायदा नहीं है, क्योंकि अभी जो आपका लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो हमारे लिए तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना, आपके लाइफ में भी है, हमको खुद को बहुत बड़ा लगता है पर वैसा होता नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा है जो बारिश हो रहा है अभी बहुत स्ट्रीट में है जो लोग मुझे मेरा फैंसी बाजार पर एक दुकान है, तो उसमें छोटा छोटा बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो स्ट्रीट में सोते हैं, बारिश होने से भी उनको कुछ बारिश होने से भी वो लोग को कोई हेल्प नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसा मुझे बहुत दुख लगता है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ वो लोग के लिए, तो इतना बड़ा बड़ा इतना छोटा छोटा लोग बच्चे हैं जो मतलब ड्रग्स वगैरह करते हैं, ये जो डेंजराइट है वो उनके साथ, मैं कुछ भी नहीं बोलता, बहुत बुरा लगता है मैं, और इसलिए मैंने एक प्लानिंग किया कि मेरा कुछ ये स्टॉल वगैरह सेट करने के बाद मैं पूरा फैंसी बाजार मैं पूरा साफ करूँगा पूरा स्टूडेंट्स को लेके स्टूडेंट वर्कशॉप के बाद, तो प्लीज़ आप लोग उसमें भी मुझे हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा लोग हैं जो मुझे हेल्प करना चाहते हैं, जस्ट लाइक इंटरनेशनल वेगन एक वो लोग का यूथ का एक ग्रुप है वेगन लोगों का, वो लोग भी मुझे उसमें वो लोग भी एक हिस्सा बनना चाहते हैं, और RSS का लोग भी मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा जितना हो सके, और स्टूडेंट लोग तो हेल्प करेंगे ही मुझे पता है, क्योंकि मैं इसको फैंसी बाजार पर क्यों ये कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड का टॉप 50 पॉलिटिक सिटी में एक गुवाहाटी भी पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा पर रिसर्च है, आप लोग यूट्यूब पे गूगल करके देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए अपने आस पास। नहीं क्यों शुरू किया आप, तो दूसरे भी कुछ बेच सकते थे, क्योंकि चाय बहुत मतलब मुझे चाय से प्यार है, मुझे मतलब बचपन से ही पसंद था चाय, और उसके बाद ये मेरा फर्स्ट अप्लाई था बिजनेस का, मेरे पास ऐसा बिजनेस प्लान बहुत सारा है जो बाद में जाके अप्लाई करूँगा मैं, पर ये
एक फर्स्ट बिजनेस प्लान था, दो बेर है, जीरो इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास पैसा भी नहीं था, तो बहुत सक्सेसफुल रहा है अभी वो दो महीने के अंदर इतना 20 दुकान गुवाहाटी में 20 आउटलेट का प्लानिंग करना, और ये हो भी रहा है। अभी भेटापारा में एक फूड ट्रक जो है उसमें तेल लैस इंग्रेडिएंट्स करके कोई मेरे रेडियो चैनल के लिए बना रहा है। थैंक यू सो मच फॉर देट। आप लोग आ जाइएगा, कुछ दिन बाद वो ओपन होने वाला है। बहुत सारा स्पेस उधर गाएंगे, इवेंट करेंगे, जो गाना गाना चाहता है, जो डांस करना चाहता है, जो पोएम बोलना चाहता है, कुछ भी स्टूडेंट्स के लिए जो आपका हॉबी है उधर आके मजे करते हैं। व्लॉगर्स लोगों को भी आप सबको इन्वाइट करूँगा मैं पर्सनली, आप लोग आ जाइएगा। एंड वही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं वो कीजिए, फर्स्ट एड नहीं होना है लाइफ में। लव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, डोंट ट्रस्ट एनीवन एल्स, मोर देन योर सेल्फ। मैंने प्ले में बहुत सारा ब्लॉग में ये सब बातें बोला है जो रिपीट होता है, क्योंकि मैं उतना ज्ञानी भी नहीं हूँ कि मैं हर एक ब्लॉग में नया नया चीज़ बोलूँ, मुझे उतना बात करना भी नहीं आता है। जो ये बहुत चीज़ है जो बहुत सीखना पड़ता है मुझे, थोड़ा थोड़ा करके मैं लोगों को पूछ पूछ के जो नहीं मुझे आता वो सब पूछ पूछ के मैं सीख रहा हूँ। तो आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और क्या बोलूँ मैं। तो अभी आपका दुकान, अभी तो फिलहाल आप दुकान नहीं कर रहे हैं जैसे कि फिलहाल है दुकान, मेरा लड़का रहता है फैंसी में है एक दुकान, वो अभी कंटिन्यू है, वो चलता रहेगा। वो चाय गली में मैंने फैंसी में एक लगाने का प्लानिंग किया है, क्योंकि उधर वो चाय का नाम से ही वो जगह फेमस है। तो चाय गली में अभी एक भी चाय दुकान अच्छा नहीं है, तो मैं उधर लगाऊँ ग्रेजुएट चाय वाला उधर रहेगा परमानेंट के लिए, क्योंकि उधर तीन पुस्ता लोग मतलब तीन जनरेशन चाय बेच बेच के ही मर गया है। तो मैं चार नंबर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चाय से प्यार है, तो उधर कुछ शिक्षा रहना चाहिए ग्रेजुएट चाय वाला, इसलिए मैं उधर दुकान लगाना चाहता हूँ। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं ट्रेड लाइसेंस वगैरह के बारे में भी उधर के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, तो सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपका जो गणेशगुड़ी फ्लाई ओवर का नीचे जो दुकान था चाय का, वो अभी क्या हुआ? वो फिलहाल तो अभी उधर वो जो आग लग गया उसके बाद तो उधर मतलब आमने सामने दुकानदार सब है जो मुझसे नाराज़ हो गया, तो वो लोग का नाराज करके मुझे दुकान लगाने का मन नहीं था, इसलिए मैं गणेशगुड़ी में एक प्लान, क्योंकि गणेशगुड़ी जो है ना वो मेरे लिए बहुत मतलब एकदम दिल के पास है वो जगह जो है, इसलिए मैं उधर रात को जस्ट लाइक मिडनाइट फूड जोन बोल के खाना खाने का जगह खोल रहा हूँ आफ्टर ये उसके बाद ये जो है ना व्यू के बाद। तो उधर रात को 10 बजे से तंदूरी चाय भी मिलेगा, और उधर रात भर वो दुकान मतलब 10 बजे से रात भर चलेगा, सुबह 3-4 बजे तक चलेगा, जितना बजे लोग आएंगे रात भर चलेगा। तो उधर के लिए भी मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय चाहिए, कोई सर्वेंट जो काम ढूंढ रहे मुझसे बस आके कॉन्टेक्ट करें, मैं जितना हो सके मेरे तरफ से 7-8,000 से ज़्यादा ही मिलेगा, 15,000 तक है वैकेंसी। आप लोग आ जाइए, मेरे साथ बात कीजिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है सुनाइए, आप क्या कर सकते हैं मतलब मुझे क्या दे सकते हैं, उसी बात पे हम बात करेंगे। और कोई दूसरा काम भी ढूंढ रहा है तो मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारा प्लान है अभी मैं जो अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बताएं जो प्रॉब्लम है, अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता फिर भी कोई प्रॉब्लम में है तो बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं मुझे खुशी होगी, क्योंकि मनी कम्स एंड गोज़, लोग बहुत पैसा कमा लेंगे पर हेल्प करना सबके भाग्य में नहीं होता है, क्योंकि कोई किसी को हेल्प करके भिखारी नहीं बनने वाला है। जितना आप दूसरों को हेल्प करोगे आपका उतना ही अच्छा होगा। तो मैं बस लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, आप लोग आज ही मुझसे बात कीजिए दोस्त समझ के। तो जैसे कि आपको मतलब बहुत आदमी आपके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो अगर कोई और बनाना चाहते हैं तो आपको किस दुकान में देखने के मिलेगा चाय बनाने के लिए? आप एक काम कीजिए, वीडियो आपको जो बनाना है वो एक काम कीजिएगा कि कुछ दिन वेट कर लीजिए, मेरा जो भेटापारा में आउटलेट है उसमें मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे सिंगर्स आएंगे, रैप सिंगर आएंगे और मैं क्या बोलते उसको गुवाहाटी में मतलब पहले एक ओपन माइक बोल के एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे मुझे भी इनवाइट किया गया था, तो उधर से मेरा बहुत सारा अच्छा अच्छा सिंगर लोग मेरा कांटेक्ट में आ गए, तो वो सबको बुलाऊंगा और आपको भी आपका टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि उधर अच्छा आपने किया तो जस्ट लाइक वो लोग को मैंने बुलाया आप लोग को भी उनका इवेंट पर बुलाएंगे। तो एक बहुत अच्छा चांस है, आप लोग जो कर सकते हैं दिल से वही कीजिए, आप लोग आ जाइए, कोई शर्माना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइफ ही एक है ना, आपको तो प्रूव करना है अपना अपने बारे में, आपको घर के लोगों को नहीं, घर का लोग क्या बोलते हैं कौन क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता है, पर दुनिया का लोग आपको सो एक साथ में देखते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं अपने आपके बारे में। हाँ, आपको मतलब हर एक चीज़ का चांस लेना चाहिए ना, बोलते हैं ना एवरी डे क्या बोलते थे वो एक पढ़ा था मैंने कहीं पे, ट्रीट एवरी सिंगल डे एज ए लाइफ टाइम, तो हर एक दिन का वैल्यू आपको समझना चाहिए एंड आपको अच्छे से मतलब उसको यूटिलाइज करना चाहिए, बस यही बोलना चाहता हूँ। हो गया, थैंक यू सो मच आज व्लॉग, उनका ब्लॉग्स को उनका ब्लॉग जो चैनल है यूट्यूब चैनल उनका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो लाइक जितना हो सके सब कुछ कर दीजिए, भाई को बहुत आसमान तक पहुंचा दीजिए भाई को, और आई विल प्रे फॉर यू कि तुम्हारा जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत आगे जाए। तुम्हारा दोस्त का जो है मेरा दूसरा भाई का उसका भी यूट्यूब चैनल क्या था नाम, रिकी टैब्स व्लॉग्स, तो उनका व्लॉग जो है उनको भी बहुत सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो सब लोग मिलके आगे जाएंगे।
तो थैंक यू एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम गेजुअल चाय वाला बोल के है, आप लोग फॉलो कीजिए, कुछ बात करना हो तो आप लोग कर सकते हैं मुझे अपने दोस्त समझ के। तो थैंक यू सो मच इन द लव एंड सपोर्ट करने के लिए, जितना मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ। तो थैंक यू, मुझे बात करना नहीं आता है, कुछ मेरा भूल चूक हो गया तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मैं मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ कभी कभी, और पर जो है चीज़ वो मैंने फेकली बोला है। आपको कुछ मतलब आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे दोस्त समझ के बस बता दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हो गया। I'm driving slow गाड़ी में, अच्छी मत से चुचाली में, मंजी गोला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली में, हाली में बॉलीवुड से फोन काफी आने लगे, भर तेरा भाई चिल कर रहा गुवाहाटी में। I'm driving slow, फिर भी मैं पहुंचू वहां, मैं जहां तू कभी ही पहुंच ना सके, गाली दो मुझे चलने वालों, लेकिन मेरी कामयाबी से जो कुछ ताली दो फक, वो बोलते हैं मैंने कर दिया, मैंने खाली ग्लास मैंने भर दिया, जी को भी मुझ पे डाउट था, मैं सबका मुंह बंद कर दिया, मोर पापा को लेकर ने घर दिया, मेरे बैंक अकाउंट में भर दिया, इस शाम से चले वाले के लिए कब से चले वाले मेरे सर से यो देखे थे जो सपने आज के पास हो, आंखों में झलक है आप पहले थे आंसू, बाकी सब वही है, ज्यादा कुछ नहीं बदला, पहले मैं आम था बस आज थोड़ा खास। थैंक यू सो मच। रेस्टोरेंट में आधा डीजे रेस्टोरेंट गणेशगुड़ी में है, तो भाई ने मेरे को वीडियो बनाने की परमिशन दिया है, इसकी वजह से मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा इस रेस्टोरेंट पे आप लोग रहिएगा। तो गाइस अभी मतलब इतना बारिश दे रहा है सुबह से, मैं क्या बोलूँ, एंड भाई ने अभी एक कोकोला हाथ में दे दिया, दोनों भाई एक साथ जा रहे हैं, एंड पूरा बारिश ही बारिश, एंड मेरे को जल्द से जल्द घर पे भी पहुंचना है, तो अभी घर पे पहुंचते हैं सीधा। भाई के बारे में बता रहा था, वो भाई को मीट करने जा रहा हूँ, तो भाई इधर है, एंड अपना चैनल का नाम बता दो। माय नेम इज चेतन चौधरी, आज नया नया भाई से मिला, अच्छा लगा, और मेरा भी एक मीट चैनल है रिकी टैप्स, सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा भाई का चैनल, तो भाई को थोड़ा सपोर्ट करना है, चैनल पे जाके भाई को सब लोग सब्सक्राइब करो, और जो भी करो पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो, और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करो एकदम थोड़ी थोड़ी। तो आज के लिए इतना, आशा करता हूँ मेरा वीडियो देखिए आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर देख सकते हो, एंड आप मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, भाई का भी चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इंस्टाग्राम को भाई को भी फॉलो कर देना, भाई अपना इंस्टाग्राम में आई बता दो @_chaudhary, तो भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो आज के लिए मिलते हैं।